राम मंदिर पर टीएमसी विधायक का विवादित बयान। रामेंदु सिन्हा रॉय ने राम मंदिर को अपवित्र बता दिया है। राम मंदिर में किसी हिंदू को पूजा नहीं करनी चाहिए। तारकेश्वर सीट से टीएमसी के विधायक रामेंदु ने यह कहकर एक नए सियासी विवाद को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर में किसी हिंदू को पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर अपवित्र है। ब्राह्मण छाड़ा पुजो है और इमाम छाड़ा नमाज है ना, तो हमारे राम मंदिर तैयारी हो। हमारे हिंदू धर्म में चार जन शंकराचार्य आछे। चार जन शंकराचार्य बोलो जे सम्पूर्ण मंदिर नय, एखाने विग्रह प्रतिष्ठा करा जाबे ना, दिए तार प्राण प्रतिष्ठा करा जाबे ना। किन्तु मानलो ना, चार शंकराचार्य गेलो ना, असमाप्त मंदिरे विग्रह बसबे ना। किन्तु नरेंद्र मोदी गेलो, नरेंद्र मोदी गिये मूर्ति प्रतिष्ठा करे तार पूजो अर्चना करलो। ता आमी प्रश्न करछि, नरेंद्र मोदी कोथाकार ब्राह्मण बोलते पारबेन? पैतृकটা কে দিয়েছিল, কবে পৈতে হয়েছিল বলতে পারবেন? তাহলে দেখুন হিন্দু ধর্মকে কত নোংরা জায়গায় নিয়ে গেল। এই যে বাবা তারকনাথের এখানেতে যদি কোনো ভণ্ড একটা পৈতে, এজন্য আমার পৈতে আছে যদিও রাজপুত বলে ক্ষত্রিয় বলে, কিন্তু আমি তো ব্রাহ্মণ নই। তা আমি যদি পৈতেটাকে একটু ব্ল্যাকমেলিং করি, আমি যদি পৈতেটা দেখি বলি ব্রাহ্মণ, আর যাচ্ছি ধরে নিয়ে যে বাবার মন্দিরে দেয়ালে ঠেকিয়ে পুজোটা দিয়ে কি বললো শুনতে পেল না সে, দেওয়ার পর বলুন 5000 দিয়ে দাও। আর এরা কি করলো, মূর্তি বসার আগেই হলদে চাল হলুদ মাখিয়ে নিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যেয়ে বলছে 500 টাকা দাও, এটা রামের প্রসাদ। কত বড় ভণ্ড দেখুন, কত বড় ধাপ্পা দিল দেখুন, কত বড় হিন্দু ধর্মকে নিচে নাপিয়ে নিয়ে এলো দেখুন। আমি একজন হিন্দু ধর্মের মানুষ, তাই এই জায়গাটা আমাদের সমস্ত মানুষকে গর্জে উঠতে হবে, একতাবদ্ধ হতে হবে। আপনার বাড়ির পাশে যদি কেউ একটা শিবলিঙ্গ বসিয়ে, সে যদি ব্রাহ্মণ না হয়, সে যদি পুজো করে শিবরাত্রির দিন, আপনারা কি তার কাছে পুজো দিতে যাবেন? ঠিক তেমনি ওই যে রাম মন্দির তৈরি হয়েছে, আমি মনে করি অপবিত্র এই রাম মন্দিরেতে ভারতবর্ষের কোন হিন্দু যেন পূজা দিতে না যায়। ওটা একটা সফিস তৈরি হয়েছে, ওটা শুধু একটা সফিস তৈরি হয়েছে। तो टीएमसी के विधायक रामेंदु रॉय को आपने सुना, किस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, सौरभ सिकदार प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, बादल देवनाथ साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी के समर्थक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बादल देवनाथ साहब, पहला सवाल आपसे ही। लालू यादव ने सवाल उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर, आपके विधायक सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर, राम मंदिर को भी अपवित्र बता रहे हैं वो अयोध्या के, ये हो क्या रहा है, ऐसे लड़ेंगे चुनाव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो विधायक का काल मैंने सुना, जो विधायक ये जो बयान दिया, ये उनका निजी टिप्पणी है, कोई पार्टी का टिप्पणी नहीं है। कि पार्टी के जो सभा नेत्री है ममता बनर्जी, सीएम पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री है, उन्होंने सब सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सब सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और एक बात है, देश के राजा कहीं भी जा सकता है, कहीं भी उद्घाटन भी कर सकता है, कहीं भी पूजा कर सकता है। ये सनातन धर्म का रूल्स है, नियम है, साथ तो उनको जानना चाहिए। देश के राजा जब देश के प्रधानमंत्री, वो तो देश का राजा ही है ना। देश के राजा कोई भी, असमाप्त मंदिर हो, मंदिर पूर्ण हो, या रामलला का उद्घाटन हो। अरे भाई, आपके विधायक सवाल पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कोई ब्राह्मण है क्या, और जो वो चले गए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में? मैं क्या बोल गया, कोई भी व्यक्ति पूजा कर सकता है, वो दलिती भी हो, ओबीसी हो, अगर आप ये कह रहे हैं कि उनका निजी विचार है, पूजा करने का अधिकार सबका है। इस तरह की हल्की बात करने के लिए पार्टी का कोई टिप्पणी नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं पार्टी का कोई टिप्पणी नहीं है, ये उनका निजी विचार है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोला जाता है और निजी विचार है, तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए, इस विषय में विधायक पर क्या कार्रवाई होगी बादल जी, अगर उनका निजी विचार है और इस तरह की हल्की और अशोभनीय बात करने के लिए कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी होगी कि नहीं होगी, ये तो पार्टी तय करेगा। मैं नहीं, और दीदी है पार्टी के
जनरल सेक्रेटरी ओबीसी बनर्जी है, पार्टी की एक कमेटी भी है, डिसिप्लिन एक्शन कमेटी है, वो सब मिल के तय करेगा, ठीक करेगा, मैं नहीं। लेकिन जो उन्होंने कहा बिल्कुल गलत कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ। सौरभ सिकदर साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। बादल देवनाथ कह रहे हैं जो टीएमसी के विधायक ने कहा है वो सरासर गलत कहा है, क्या ये पूरा विवाद यहीं खत्म हो जाएगा सौरभ सिकदर साहब, या फिर भारतीय जनता पार्टी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगी? क्योंकि मुद्दा सिर्फ नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर ही नहीं उठाया गया, बल्कि राम मंदिर को भी अपवित्र बताया गया, शंकराचार्य के पुराने स्टेटमेंट्स का हवाला देते हुए। देखिए, ये केवल प्रधानमंत्री जी का बात नहीं है, ये पूरे देश का, जितने करोड़ों राम भक्त अपने आस्था लेके उस मंदिर में गए थे, पूजा अर्चना करे थे, और आज भी लाखों लोग जा रहे, ये सबका अपमान है। और ये मूर्ख जो है विधायक वहां का सौमेंद्र राय, ये पहले तो ये बता दे, इसका उत्तर दे, बाबा तारकनाथ का मंदिर वहां है और उसका ट्रस्टी बना के रखा है एक मुस्लिम को, फिराद हकीम को, क्या इसका जवाब उस वो देंगे? अगर बाबा तारकनाथ के मंदिर में मुस्लिम ट्रस्टी हो सकता है उस मंदिर डेवलपमेंट ट्रस्ट का, तो फिर देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी किसी भी मंदिर में जा सकता है, पूजा दे सकता है। नहीं, एक मिनट, मैं 30 सेकंड टाइम लूंगा। मैं ये स्पष्ट करके देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी वहां जजमान थे, पुरोहित नहीं थे। तो जजमान कोई भी हिंदू हो सकता है जी। क्या कोई भी हिंदू, एक नीची वर्ग का हिंदू भी घर में पूजा नहीं करता है? 11 दिन निष्ठा पालन करके वो जजमान का भूमिका पालन किए थे, ना कि पुरोहित का, कि उसको ब्राह्मण होना चाहिए। मतलब आप एक सवाल उठा रहे हैं सौरभ जी, आपने कहा कि जो टीएमसी कर रही है, टीएमसी के विधायक इस तरह अपशब्द बोल रहे हैं, तो बादल देवनाथ जी मैं चाहूंगी आप इस पर रिप्लाई करें। ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से बार बार कि अल्पसंख्यकों के वोट बैंक के लिए इस तरह की भाषा है, उन्हें साधने की कोशिश है। फिर तो आपको कल की तस्वीर भी देखनी चाहिए, जब मुसलमानों का एक जत्था भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने पहुंचता है राम मंदिर में, फिर भी ऐसे बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी जो कि जिनके साथ गठबंधन है टीएमसी का, वो महाकालेश्वर मंदिर पहुंचते हैं, फिर भी आपके नेता या विधायक इस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं मैडम उससे पहले मैं मेरा सौरभ भाई को कहना चाहता हूँ, फिरा दाकिम अभी तारकेश्वर ट्रस्टी बोर्ड में नहीं है, एक साल में नहीं है। दूसरा जो बात है, मैं कह रहा हूँ दीदी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्ध जैन सभी का मंदिर, गिरजा मस्जिद में हर जगह में दीदी जाती है। और सबसे बड़ा बात है, दीघा में 200 करोड़ रुपया खर्चा करके वहां पर जगन्नाथ मंदिर हो रहा है, दीघा में कितना बड़ा मंदिर हो रहा है दीघा में, एक बार देखिए। सारे बंगाल में जितना मंदिर है सबका संस्कार ममता बनर्जी किया, मस्जिद भी संस्कार, गिरजा गुरुद्वारा सबका संस्कार कर रहा है। पूरे बंगाल घूमिए, रास्ता सड़क से, पानी से, बिजली से, यहाँ पर बंगाल में कोई लोड शेडिंग भी नहीं होता है, इतना बड़ा ममता दीदी ने बंगाल में काम किया। कोई विधायक कुछ कह दिया मतलब ये नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, देश के राजा कहीं भी जा सकता है। नहीं नहीं, बादल देवनाथ साहब, लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिए ना, क्योंकि देखिए बीजेपी इस मसले को जोर शोर से उठा रही है, कहा ये जा रहा है, सुनिए बात सुनिए बादल देवनाथ साहब, बात सुनिए, कहा ये जा रहा है कि भाई टीएमसी के नेता इस तरह के बयान इसलिए देते हैं ताकि हिंदू वोट बैंक, अरे सुन नहीं रहे आप क्या, मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए हिंदू आस्था पर चोट वाले बयान जानबूझ कर दिए जाते हैं, ये आरोप लगा रही है बीजेपी आप पर, उसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए। वो जहाँ का एमएलए है, तारकेश्वर इलाका का, तारकेश्वर का विधायक है, उस इलाका में हिंदू सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ा बात है, बंगाल में 7.5 करोड़ हिंदू है, 3 करोड़ मुस्लिम और 1.5 करोड़ क्रिश्चियन बौद्ध सिख मुस्लिम सब बौद्ध सब मिलकर यहाँ पर है। अगर ये बात है फिर बादल देवनाथ जी फिर क्यों बयान इस तरह से दिए जाते हैं? में कुछ कह दिया फिर इस तरह के निजी विचार क्यों बताए जाते हैं, ओछी बात की जाती है।